सोलन में पुलिस ने उन लोगों पर शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है जो यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है और उनके चलान भी किए जा रहे हैं। ये जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य जिला में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है ताकि सोलन में हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने जिलावासियों से आग्रह किया कि वे नियमों की पालना करें और सुरक्षित रहे। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा जिला सोलन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत सोलन में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है और उन पर सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा सोलन में प्रतिदिन करीबन 50,000 रुपए के चलान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये विशेष अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि सोलनवासी यातायात नियमों की पालना करें और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाकर जिला में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाया जा सके। पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं जिसमें जो भी ट्रैफिक की वायलेशंस कर रहे हैं उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं, उनके चालान किए जा रहे हैं और उनको फर्स्ट टाइम तो वार्निंग दी गई थी, उसके बावजूद भी अगर लोग नहीं माने तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और आइंदा भी ये अभियान जारी रहेगा और उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। पर डे 50,000 से अबव ही ट्रैफिक वायलेशंस के फाइन कर रहे हैं। जनता से मेरा आह्वान ये रहेगा कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं और जो निर्धारित पार्किंग लॉट्स हैं वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें और अपने छोटे जो नाबालिग बच्चे हैं उनको गाड़ियाँ ना चलाएं।